एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। ब्लॉग मैं आज काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ और अच्छा भी लगता है। आप लोग मुझे मिस करते हो, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, दीदी आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे। तो बोला थोड़ा सा बिजी हो गई थी इसलिए ब्लॉग नहीं डाला मैंने। यहाँ पर कॉन्टेंट भी मिलता नहीं है और अभी दिन का 1 बज गया है। थोड़ी देर में लंच की तैयारी करती हूँ क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया है। ब्लॉग मैं लेट काफ़ी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने रखे हुए थे गेहूँ सुखाने डालने। धूप भी देखो कितनी तेज़ लगी हुई है। गेहूँ एक ही धूप से काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं क्योंकि कल धोए थे गेहूँ। और मौसम देखो कितना मस्त हो रखा है, धूप भी लग रही है, धूप में रहा ही नहीं जा रहा। ये देखो नीचे वाली प्राची मेरे घर आने वाली है। प्राची कह रही है कि आंटी मुझे डांस करना है। अपने मम्मा को देखो नीचे परेशान कर रही है कि मम्मा मुझे लहंगा पहनना है, आंटी वीडियो बनाएगी। प्राची, प्राची सुनो, प्राची बात सुनो, यहाँ देखो तो, प्राची इधर तो देखो बेटा, गुस्से में आ गई। देखो आज स्कूल की छुट्टी है, एकदम चहल पहल हो रखी है। मैं इसलिए आई थी, यहाँ पे धूप तो काफ़ी तेज़ है, मैंने कहा गेहूँ अंदर रख लेती हूँ क्योंकि कबूतर आ रहे हैं। और अब चलती हूँ अंदर, थोड़ी देर में लंच की भी तैयारी करनी है। आरू देख रही है अभी टीवी, मेरे घर आने वाली है प्राची, छोटी सी अभी मिलवाती हूँ आपसे। जो अपनी मम्मा से लड़ झगड़ के आ गई वो उधर से, प्राची आ गई, यहाँ पर आ गई है प्राची। प्राची हेलो करो, सबको हेलो करो। अच्छा अपना नाम बताओ तो, आपका नाम क्या है? क्या है? प्लाती। प्लाती है? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? किस में? सिक्स में? हाँ। और ये मेकअप किसने किया आपका? वाला। किसने किया? ये लिपस्टिक किसने लगाई आपकी? लिपस्टिक मम्मी ने। हाँ। कहाँ जाना है मेकअप करके? कल कहाँ गए थे आप? कहाँ गई थी? दाऊ गई थी। किसके साथ? मम्मी पापा के साथ, दीदी भाई के साथ, बाबा के साथ। स्कूल कब से जाओगी आप? स्कूल कब से जाओगी? परसों से। हाँ। अच्छा, पढ़ाई करती हो या नहीं करती? करती हूँ। क्या करती हो? क्या क्या आता है आपको जरा बताओ तो आंटी को, क्या क्या पढ़ना है? तो गाइस ये है प्राची, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं हम लोग, नीचे रहती है प्राची। और कल मिली थी, कल इसने बोला कि आंटी मैं आपके घर आऊंगी और मुझे डांस करना है। यहाँ देखो आज आ गई लिपस्टिक लगा के। किसने बोला लिपस्टिक लगा के डांस करते हैं प्राची? मम्मी ने। क्या बोला मम्मी ने? क्या बोला मम्मी ने? मम्मी ने ही बोला। क्या बोला ये बताओ? है तो आपके यहाँ पाउडर है? क्या है? पाउडर। पाउडर? हाँ, हाँ है। आंटी हाँ? मैं लगाऊंगी, मुझे दे दो डाला। क्या पाउडर? क्या करना है? लगाना है। क्या करोगी लगा के, पाउडर लगा के? आप तो इतनी अच्छी हो, इतनी गोरी हो, क्या करोगी पाउडर लगा के? आंटी तो है ना, मुझे छुतरी हो रही, मुझे दे दो। क्या होता है? छुतरी हो रही, मुझे दे दो। क्या करना है? छुतरी हो रही, मुझे दे दो। बेटा मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। आंटी मुझे छुतरी है, मुझे दे दो। क्या पाउडर? पाउडर देना है किस? हाँ। लिए क्या करना है? ऐसे से करना है? हाँ। आपकी मम्मा करती है ऐसे? नहीं। तो आपने कहाँ से सीखा फिर? वीडियो में। वीडियो में देखा? हाँ। कैसे करते हैं वो? क्या होता है इससे? इतना आटा होता था फिर। क्या होता था? आटा होता था फिर। अच्छा हो जाता है फिर? हाँ। अच्छा हो जाता है, है? मुझे दे दो। अच्छा मैं पाउडर तो दूंगी आपको, पहले ए फॉर एप्पल सुना दो। तो आंटी को पोएम आते हैं आपको कोई? हाँ। पोएम सुनाओ तो बेटा। आंटी मुझे नहीं आती। नहीं आती? मुझे तो आती है। और इस तोता को देखो तो, मुझे तो आती है। ये तोता को देखो, ये तोता है मेरा तोता। अच्छा इधर ए फॉर एप्पल सुना दो। एप्पल एप्पल भी फल बहुत ही फटते। यही आता है बस मुझे। बस यही आता है? हाँ। और कुछ नहीं आता? नहीं। आपकी मम्मा ने लंच रेडी कर लिया, खाना बना लिया? हाँ। क्या बनाया? दाल चावल। दाल चावल? हाँ। अच्छा स्कूल कब से जाओगी आप? क्या हो गया? डांटती हूँ। हैं? डांटती हूँ मैं। क्या हो?
दादी हूँ। क्या बोल रहे हो प्राची? मैंने इसको बोला प्राची बोले, पता नहीं क्या बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आरू के लिए बोल रही हूँ कि आरू प्राची क्या बोले, बोल दादी हूँ मैं, ऐसा बोलो ऐसा थोड़ी बोलो। पाउडर दे दो। पाउडर देना है? हाँ। क्या करोगे आप पाउडर का? लगाऊंगी। आपकी मम्मा मुझे डांटेगी कि प्राची को पाउडर क्यों दिया? दे डांटेंगी। देना है? हाँ। ठीक है, अब इसको पाउडर देना है। कह रही आंटी मुझे पाउडर दो, फेस पे लगाना है। थोड़ा सा दे देंगे बेटा, ऐसा नहीं बोलते, शेयर करते हैं ना। आपको भी दूंगी मैं, लो आपको भी दूंगी, आपको भी दूंगी। अच्छा क्या दो? टीटा वाला। क्या वाला बेटा? टीटा वाला पाउडर दो। कौन सा वाला बेटा? टीटा वाला। टीटा वाला सीसा वाला? हाँ। अच्छा टीटा वाला बोल रही है। क्या कौन सा वाला देना बेटा? टीटा वाला। सीसा वाला? हाँ। उसको बच्चे नहीं लगाते बेटा, उसको तो बड़े लगाते हैं। सीसा वाला तो आंटी लगाती है, मम्मा लगाती है। सीसा वाला पाउडर बच्चे यूज नहीं करते, पता है आपको? फेस खराब हो जाएगा आपका। बड़ी नहीं, ये भी लगाती है। हाँ, उससे फेस खराब हो जाता है बच्चे का, पता है आपको? और दादी छोटे, मैं बड़ी हूँ। हाँ, तो बहुत बड़ी हूँ। मैं तो बड़ी हूँ ना। कितने ईयर की हो आप? मम्मा दीदी छोटी है। 4 ईयर? हाँ। आरू से बड़ी हो ना? अंटी फटे दूधले लिपस्टिक लगा दोगे? दूधले लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाना है? हाँ। क्यों, क्या करोगी लिपस्टिक लगा के? लगा तो रखा आपने लिपस्टिक? दूधले लगाती है तो नहीं लग रही। हाँ, दूसरी लगा रही है, अच्छे नहीं लग रही। ये अच्छी नहीं लगाती, दूसरी लगानी है? हाँ। क्यों लगा दो ना? क्यों, ज्यादा मेकअप नहीं करते? पता है आपको, छोटे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, आप मेकअप क्यों करते हो इतना? आंटी हूँ। हाँ। उसे लगा दो ना। क्यों, आपकी मामा मुझे डांटेगी तो? नहीं डांटेंगी। डांटेगी? नहीं डांटेगी। इधर देखो भैया, अपनी चीजें बिल्कुल भी शेयर नहीं करती, पता है? करी उसने कहा पाउडर दे, मैं पाउडर देने वाले थे। करी ये कह रही है कि मुझे सीसा वाला पाउडर चाहिए, और वो कह रही मेरा पाउडर देना ही नहीं है। बच्चे सीसा वाला पाउडर यूज नहीं करते, पता है? फेस खराब हो जाएगा आपका। खाना खा लिया? हाँ। क्या खाया? दाल चावल खाया। चलो टीवी देख ले उधर। क्या बोल रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो? किसमें? इसमें? इसमें ये नेल, वो नेल पॉलिश साफ करने का है। क्यों, क्या करना है आपको? आपने तो नेल पेंट लगा ही नहीं रखा, वो क्या, क्यों, क्यों चाहिए आपको? काउंटिंग सुना दो, क्या क्या आता है आपको? और क्या आता है? क्या बेटा? पुलिस, फौजी बना है, फौजी। आर्या, ये आरू। आरू, आरू फौजी बने हैं? हाँ। मैंने ये धैने वाली था। हाँ? धैने वाली? क्या? धैहिन। जैहिन? हाँ। नहीं, उस टाइम बेटा वो बहुत छोटी थी, उस टाइम नहीं बोल पाती थी वो जैहिन। आपको डांस भी आता है? हाँ। कौन से गाने पे आता है? कौन से वाले पे? ढूंगट वाले में। ढूंगट वाले पे? हाँ। कौन सा है ढूंगट? अरे क्या बोले दीदी? क्या बोले, दोबारा बोलो बेटा। ढूंगट में। अच्छा घूंघट है? हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है। प्राची थोड़ा सा तुतला के बोलती है, मस्त लगता है उसके मुंह से, इतना अच्छा बोलती है ना, कभी कभी तो मुझे समझ भी नहीं आता है ना प्राची। हाँ। क्या क्या बोलती रहती है ना। हाँ। अब मैं खाना बना लूं, मैं जाऊं किचन में? हाँ। अब आरू के साथ खेल लोगी? हाँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ फिर किचन में। तो गाइस दिन का 1:30 बज गया है, अब मैंने कहा लंच की तैयारी करती हूँ, क्योंकि डेली डेली दाल चावल खाने का भी मन नहीं करता। थोड़ा सा मैंने कहा अलग सा बनाते हैं आज। आजकल एक वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में चला हुआ है, तो क्यों ना मैंने कहा मैं भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ और बना के देखती हूँ। अगर अच्छा बनेगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी, जैसा भी बनेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पाव भाजी पराठा, एक्सपेरिमेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर अच्छा बनेगा, बुरा भी बनेगा, जैसा भी बनेगा मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, मैंने आलू तो मैंने बॉईल कर दिया है, अब फटाफट से मैं तैयारी करती हूँ, उसके बाद मिलूंगी आपसे। जैसा भी बनेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे।
भाजी पराठा जो मैं बनाने वाली हूँ गाइस, उसका मैंने ये डो रेडी कर दिया है। जितनी भी सब्जियां थी हमारे घर पे वो मैंने सारी चॉप करके डाल रखी इसमें। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आलमंड एंड पीनट की चटनी बना रखी है। तो अभी फटाफट इसका पराठा बना लेते हैं, उसके बाद दिखाऊंगी आपको। ओके गाइस, पाव भाजी पराठा एकदम रेडी हो गया है। सच में मुझे खुद पे भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इतना अच्छा बनाया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे। दिखाती हूँ मैं आपको गाइस, देख सकते हैं आप कितने मस्त पराठे बन रखे हैं हमारे। बस लंच पे यही है हमारे, पराठे एंड चटनी, और आर्य के लिए राइस बन रहा है। दिखने में तो इतने अच्छे लग रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है कि खाने में क्या जबरदस्त स्वाद होगा। तो देखते हैं जब ये आएंगे तो मैं तभी बता पाऊंगी आपको कि कैसे खाने में कैसे बन रखे हैं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, और अभी इनको आने में टाइम है, थोड़ा सा मैं आर्य को पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मिलूंगी आपसे। ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। गुड इवनिंग, अभी शाम के बज गए 6:15, और मैं और आरू जा रहे हैं आज इवनिंग वॉक साथ में दोनों, और बहुत दूर तक जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स तक, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम लोग दूर तक वॉकिंग नहीं गए, वरना पार्क में ही खेलते थे, इधर ही खेलते थे। दिन में लंच किया और पराठे इतने ज़बरदस्त बन रखे थे। रेसिपी मैं अगले दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की कि मैं जब तक खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करती तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि यार कहीं गलत बन जाएगा और मैं ऐसे दिखा दूँगी, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को रेसिपी शेयर नहीं की, वो मैं अगले दिन कर दूँगी। तो अभी जा रहे हैं हम लोग वॉकिंग। यहाँ देखो रेडी हो रखी है, बिंदी उंदी मांग मांग भर के। ये स्टार क्यों लगा रखा है यहाँ पे? ऐसे नहीं लगाते, ऐसे नहीं लगाते स्टार। तो कहाँ जा रहे बेटू? वॉकिंग। वॉकिंग, तो चलिए मिलते हैं। ये भी उधर ही जा रखे, तो इनको उधर ही मिलेंगे हम लोग आज। मिलेंगे आपसे ब्लॉग में, बने रहिएगा। चलिए बेटा जी, बाय बाय करो सबको। बाय 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 बाय। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स में देखो हमें कौन मिला यहाँ पे। हेलो भाभी लोग मिल गए, हम दोनों यहाँ पे साथ में बैठ के खा रहे हैं मोमोज। साथ में मोमोज खाने का कुछ और ही मजा है। साथ में कहाँ खाया था हमने? पोर्ट ब्लेयर में ही खाया था, और यहीं पे मोमोज खा रहे हैं। बीच में हम लोग गए थे मूवी देखने के लिए, आर्या कियाना भैया और ये चारों के चारों उधर बैठे हुए, उनको टॉफी वगैरह दे दिया हमने। हम दोनों खा रहे हैं यहाँ पे मोमोज। इनके व्लॉग में ये दोनों मिल ही जाते भैया और आप, है ना। तो गाइस कॉम्प्लेक्स से वापस आ गई, मैं पैदल पैदल आ रही हूँ, और जैसे मैंने बताया ये गेहूँ पिसवाने लेके गए थे, ये आटा लेके आ रहे हैं, और आ रहे इन्हीं के साथ है। मैंने कहा आप लोग आ जाओ स्कूटी से, मैं पैदल चलती हूँ, मोमोज खाए, थोड़ा मोमोज ही पचा लेती हूँ, क्योंकि आर्य के साथ जाते टाइम तो हम दोनों पैदल गए थे, लेकिन बच्चे के साथ आपको पता ही है स्लो स्लो एकदम। तो मैंने कहा वॉकिंग करते हुए चली जाऊँगी, और वहाँ पर मिल गए थे गौरव भैया लोग, मौसम भाभी। अरे उन्हीं को मिस कर रही थी, पता है मामा कियाना का घर कहाँ पे? पास में ही है कॉम्प्लेक्स पे, कॉम्प्लेक्स के पास में ही है भाभी लोगों का घर। तो वो लोग भी वहाँ पे मिल गए थे, फिर साथ में बैठ के मोमोज वगैरह खाए। बहुत अच्छा लगता है यार जब ऐसे मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं हम। डेली मिलने का नहीं होता हमारा, क्योंकि काफ़ी दूर दूर है, बट ऐसे कभी कभी मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी पहुँचने वाली हूँ मैं घर पर, और थोड़ा सा स्वेटिंग भी हो गई। यहाँ का जो मौसम हो रखा है कुछ ऐसा हो रखा है जैसे हमारे पहाड़ों का फरवरी मार्च में होता है, वो पतझड़ वाला मौसम, सुस्ती वाला, उदासपन वाला, सेम ऐसी मौसम हो रखा है। और ये लोग पहुंच गए हैं शायद घर, क्योंकि मुझे घर से कॉल आ रहा है आर्या और आर्य के डैडी जी का कि कहाँ पे हो। फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं घर पे। नॉक 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 नॉक। कब आ पहुंचे तुम? आलू मिला लड्डू मेरे से पहले पहुंच गया। क्या पी ला है? फ्लूटी। ओके आती हूँ, चुकी हूँ घर पे। और ये लोग ये कह रहे हैं मेरे लिए कितना फास्ट आई कि जस्ट अभी लॉकी खोला। मैंने कहा मैं बहुत फास्ट आई, देखो स्वेटिंग भी हो गया आज, बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ चल के आई। कहाँ जाना था और कहाँ चले गए? आज जाना था मुझे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ शादी में पंजाब। जाना था मुझे शॉपिंग करने के लिए, चली गई मैं कहीं और, नहीं था किस्मत में आज शॉपिंग का। चलिए कल देखते हैं,
तो अभी चेंज वेंज कर लेते हैं, उसके बाद डिनर की तैयारी करेंगे। मिलेंगे आपसे ब्लॉग में, बने रहिएगा। और गाइज आपको एक चीज़ दिखाते हो, आजकल देखो मैं पेंटिंग वेंटिंग का काम कर रही हूँ, ये देखो कैसा लग रहा है आपको मेरा पेंटिंग, बताइएगा जरूर। ओके तो गाइज हमारा डिनर भी बहुत डन, और डिनर में आज मैंने कुछ बनाया नहीं क्योंकि दिन के पराठे बचे हुए थे जो मैंने आप लोगों को बताया कि बनाए, जो पराठा मैंने आप लोगों को बताया कौन सा था वो पराठा, मैं भूल भी गई, पाव भाजी पराठा। तो एक इन्होंने खाया, अभी भी तीन बचे हुए हैं, मैंने स्किप कर लिया क्योंकि एक गिलास दूध पीऊँगी, और आर्य के लिए बना रखा है यहाँ पे सेवई, आर्य को सेवई खिला रही हूँ। तो यही था आज का ब्लॉग, इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग के साथ, मिलते हैं आपके न्यू ब्लॉग के साथ।